चक्कर चक्कर रो वाला फस्ता सोना बंद दे है अवॉर्ड इन सड़ा लगी कैसे बस दे मत तो सोना नहीं हो पाया जे तो अच्छा नमाज के नमाज और सलोरो में आज कुछ लोरो हो जाते भाई मजा आ रहा है कि नहीं भाई। इनको बुसखाना बोला जाता है, इसके अंदर ना वो बंद होता है भूसा। ये साइड पे फॉर्म बना हुआ है, मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं गिम्बल लेने जा रहा हूँ। भाई मुनीब भाई के यहाँ घुमाने लेके आए हुए हैं। भाई ये क्यों रखा हुआ है ये? यार ये बस कभी कभी पानी बिजली का आपको इशू है ना, तो शमसी का तो हमने प्लांट लगाए हुए लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात शमसी भी काम नहीं करते, जो भी नहीं करते स्टोरेज का पानी, फिर ये खेतों की वजह से। और नीचे इधर कुत्ते भी पाले हुए हैं और सर ये यहाँ पे नीचे बाग भी है बहुत प्यारा माल्टो का, तो उसके लिए भी ये पानी फिर दरकार हमें जरूरत होता है ना, इसलिए फिर हम नीचे दुम्बे रखे हुए हैं और नस्ली किस्म के ना कोहाट वाले कुत्ते हैं गुलटेरी, वो भी रखे हुए हैं। और भाई ये व्यू चेक करें सामने का, बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह। भाई ये वापडा कॉलोनी है, ये वापडा कॉलोनी है जो बिजली वगैरह बनती है काफी पाकिस्तान में, सारी यहीं से बन के जाती है। उधर एरिया पर क्या बोलूं, مش دو دير شم انت يا غبا انا غور كذا انا بقى يغنى شي بني دلنا خستار اسي भाई ये सनसेट देखें, अटक जिले का प्यारा सनसेट। ये पहाड़ देखें, ये वाले काला चिट्टा पहाड़। भाई ये चेक करें व्यू, कैसा ज़बरदस्त व्यू है माशाल्लाह। स्विट्ज़रलैंड से तो कम नहीं है, लोग कहते हैं स्विट्ज़रलैंड प्यारा है। हमारा पाकिस्तान नान एक्सप्लोर्ड है, किसी ने आज तक सही से दिखाया नहीं। ये देखिए कैसा व्यू है भाई। आज अफसोस होता है मैंने अपना DSLR बेचे हुए, पर चलें। ये पिक्चर्स देखें भाई,
अटक। मशहूर सिटी का नाम है और इस वक्त हम अटक में मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही है, ठंडी ठंडी पुरफिशा माहौल है और सब्जाजार भी अपने उरूज पर है इंशाल्लाह। तो जैसा कि आपको दिखा सकते हैं पीछे काला चिट्टा पहाड़ का व्यू है, इस तरफ जो है पावर कॉम्प्लेक्स कॉलोनी है और हम इंजॉय के लिए किस्म का आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी। हम जो सरों पे तेल लगाते हैं वो इसी का कमाल है। ये वो हैं सरसों, ये सरसों हैं। और ये आपको मैं कुछ दिन पहले बता रहा था, ये इसे भूसखाना बोलते हैं, जो गंदम की कटाई के बाद उसका भूसा होता है उसको इसमें स्टोर कर दिया जाता है, बाद में जानवरों को देने के लिए ना इसको उसके चारे के साथ मिक्स करके खिलाया जाता है। और भाई ये गोबर है, ये जलाने के काम आता है। अभी शाम होने वाली है, अटक की साइड पे आए हुए हैं, अनएक्सप्लोर्ड जगह है भाई, अंदर कुत्ते वत्ते सब पाला हुआ है, यहाँ पे माहौल बना हुआ है। इंशाल्लाह अभी फैमिली के साथ आए हैं, थोड़े दिनों बाद ना दोस्तों वगैरह के साथ आएंगे ताकि मज़ा आए। आज ज़रा टाइम भी कम था भाई, आज ज़रा शॉर्ट टाइम पे आए हैं ना।